बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आज की इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इलस्ट्रेटर में बेसिकली हम रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स है, एक इमेज है और एक टेक्स्ट है। सिंपली इन दोनों के लिए हम रिफ्लेक्शन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ये टेक्स्ट को टेक्स्ट पे क्लिक करके दोस्तों ट्रांसफॉर्म यहाँ से रिफ्लेक्ट, इसको हमने रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट को कॉपी लेते हैं, कॉपी को बेसिकली मूव करते हैं यहाँ पे। मूव करने के बाद दोस्तों अभी यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसको रेक्टेंगल के साथ कवर करते हैं। इस रेक्टेंगल को हम यहाँ से रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके यहाँ से हम बेसिकली ये ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, सिंपल ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद हम इस दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हुए ये रेक्टेंगल इन नीचे रिफ्लेक्शन लेयर को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे आते हैं ट्रांसपेरेंसी में, यहाँ पे मेक मास्क। अभी हमने मास्क बनाया, मास्क बनाने के बाद हम यहाँ से ग्रेडियंट को चेंज करते, यहाँ पे आके हम ग्रेडियंट को चेंज करते दोस्तों कुछ इस तरह। अभी यहाँ से ग्रेडियंट को इन्वर्ट इन्वर्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से ये वाइट कलर को ऊपर लेके जाते और यहाँ से हम क्लिप को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि हमारे लेयर का रिफ्लेक्शन बन गया। इसको हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं दोस्तों कुछ इस तरह। एंड एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इस क्लिप पे क्लिक करके यहाँ से ओपेसिटी सेट करते हैं दोस्तों कुछ इस तरह। अभी इस क्लिप पे सेलेक्ट करके तो देखिए दोस्तों इसका रिफ्लेक्शन बन गया दोस्तों। इस रिफ्लेक्शन का हम यहाँ से ओपेसिटी और भी कम करते हैं। ओके, तो ये रहा दोस्तों, इसके लिए हमने रिफ्लेक्शन बनाया। अभी मेरे पास ये टेक्स है, टेक्स का भी सेम यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से रिफ्लेक्ट, इसको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट किया मैंने। कॉपी लेता हूँ, इस कॉपी को हम लेके आते हैं ऑल द वे टू द बॉटम दोस्तों। इसके लिए भी यहाँ से हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह। रेक्टेंगल को यहाँ से हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट हमें ऐसा चाहिए। अभी यहाँ से हम दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ओपेसिटी में जाके मेक मास्क, मास्क बनाने के बाद इसको इन्वर्ट, क्लिप को भी क्लिक करते हैं। अभी यहाँ से इस मास्क को क्लिक करते हुए यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं अभी इस लेटर पे क्लिक करके यहाँ से ओपेसिटी कम करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसका भी रिफ्लेक्शन बन गया। इसी तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपेसिटी मास्क बना सकते हैं, उसके लिए रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।